कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। अंचल परसाई और ज्ञान रंजन की भूमि है जबलपुर। मधु यादव के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक नाम और उभरा है संगीत की दुनिया में, इशिता विश्वकर्मा। डायनेमिक संवाद टीवी आज उनसे उनकी सफलता की कहानी जान रहा है। इशिता, स्वागत है आपका डायनेमिक संवाद टीवी में। सबसे पहले ये कि कब गुनगुनाना, या आपने कब समझा कि हम गुनगुना सकते हैं? मात्र 2.5 साल की थी जब सबसे पहले मैंने कुछ गाया होगा तोतली आवाज़ में, और सिर्फ एक छोटा सा कुछ गुनगुनाया था, और तभी मम्मी ने सुना, पापा ने सुना और सोचा कि ये शायद आगे जाके संगीत में कुछ कर सकती है। तो 4 साल की उम्र से सीखना प्रारंभ किया डॉक्टर शिप्रा सुलेरे मैम से, और सिलसिला बढ़ता गया। जिस दिन जीत ये समझ में आ रही थी कि हो सकती है अपनी, तब मन में क्या चल रहा था? जिस दिन फिनाले था हमारे सारे का प का, उस वक्त मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं विनर बन जाऊंगी, और ना ही मैंने ऐसा कभी चाहा था, क्योंकि जीतने की चाह मुझे सच में नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि मैं जिस शो में थी सारे का मपा सीनियर्स, उसमें मैं सभी कंटेस्टेंट से सबसे छोटी एक मैं थी, और मात्र 16 साल की एक अकेली मैं थी, बाकी सब कोई 29 का, कोई 30 का, कोई 25, 23, 20, इससे कम की सिर्फ एक अकेली मैं थी। तो मेरे लिए ये थोड़ा जज कर पाना मुश्किल था कि मैं बन पाऊंगी कि नहीं, लेकिन जब ये अनाउंस हुआ कि मैं विनर बन गई, और मतलब 23 सालों का इतिहास है सारे का मपा का, और उसमें सबसे छोटी विनर आज तक की मैं बनी, ये मेरे लिए भी बहुत ही आश्चर्य की बात थी और बहुत ही खुशी की बात थी। संगीत में किन्हें अपना आदर्श आप मानती हैं? लता मंगेशकर जी और श्रेया घोषाल जी, ये दोनों मेरे बहुत बहुत ज़्यादा बड़े आइडल हैं, मतलब जिन्हें मैं हमेशा घोट के पीती रहती हूँ जिनके गाने, और मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वो उनके गानों की बदौलत है। तो एक दो पंक्तियाँ उनकी गुनगुनाएं आप, जो जिनको पसंद करते हैं आप। लता जी का सुनाना पसंद करूँगी। मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल बहुत खूब। ये सारमा के बाद अगला पादान, अगला चरण क्या हो सकता है? क्योंकि मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ मुंबई और सफ़र आगे बढ़ चुका है, तो मैं अभी बिल्कुल पूरे प्रयास में हूँ, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ। अब मेरा जो मेन सपना है, मेन मकसद प्लेबैक सिंगिंग करने का, प्लेबैक सिंगर बनने का, उसकी तरफ अपनी शुरुआत कर चुकी हूँ। और जैसे कि हर काम में देरी लगती है, जैसे कई लोग मुझे पूछते हैं कि अब तुरंत क्या आ रहा है, तो मैं हमेशा एक जवाब देती हूँ कि सारे का पापा की ट्रॉफी तक पहुँचने के लिए भी ना, मैंने 4 साल की उम्र में शुरुआत की थी, और इतने सालों बाद मैं सारे का पापा की ट्रॉफी तक पहुँच पाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी उपलब्धि, कोई भी वर्ज, कोई भी टॉप ना, एक बहुत मेहनत और एक बहुत प्रयास के बाद मिलता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हर एक दिन बाद कुछ नया प्रेजेंट कर दो। तो मेरा हमेशा कहने का मतलब यही है कि मैं मेहनत सही रास्ते पर हमेशा करती रहती हूँ, और जल्दी सफलता उन्हें मिलती है जो शॉर्टकट वाले रास्ते अपनाते हैं। और मेरा मानना ये है कि लंबा रास्ता, सही रास्ता भले ही देर से पहुँचाता है, लेकिन जब पहुँचाता है तो मंजिल बोलती है। बिल्कुल ठीक, लंबा और सही रास्ता। रियाज की क्या क्या कैसे रियाज और कितना वक्त मिल पाता है इस भागते दौड़ते कार्यक्रमों के बीच? फिलहाल तो मैं 2 घंटे 2.5 घंटे का रियाज डेली करती हूँ। क्यों? क्योंकि वैसे तो एक सिंगर होने के नाते इससे ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन इस साल मेरा 12th भी है, सो मुझे थोड़ा पढ़ाई और मेरी म्यूज़िक दोनों मैनेज करना पड़ता है।
इसलिए 2.5 घंटे का रियाज डेली। एक सवाल ये कि जो नए लोग हैं, नए तो आप भी हैं, और जो आ रहे हैं उनके लिए क्या कहोगे? मैं क्या कह सकती हूँ, मैं मुझे लगता है कि शायद इतनी बड़ी अभी बनी नहीं हूँ कि मैं किसी को राय दूँ, पर जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मेहनत हर चीज़ का तोड़ है। और कई बार ऐसा होता है जब आप सही रास्ते पे चलते हो, जब आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलते हो और एक लिमिट के अंदर अपनी सारी चीज़ें करते हो, तो कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसी बाध्यताएं भी आती हैं, और ऐसे लोग भी मिलते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत अगर सही दिशा में की जाए तो सफलता हमेशा मिलती है। एक सवाल एक ये बच रहा है कि माता पिता का क्या प्रभाव, कहाँ तक? मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने बहुत आशीर्वाद के साथ मुझे एक ऐसे घर में जन्म दिया जहाँ पर पहले से ही संगीत का वातावरण था। मेरे पापा रिकॉर्डिस्ट हैं, हमारा खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, और मेरी मम्मी भी सिंगर हैं और म्यूज़िक टीचर रह चुकी हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मेरा सौभाग्य था कि मैं एक ऐसे सरस्वती माँ के आशीर्वाद दिए हुए घर में जन्मी जहाँ पर कभी भी मेरे संगीत को लेके किसी भी प्रकार की कोई सवाल नहीं उठे, और हमेशा मेरे संगीत को सपोर्ट ही सपोर्ट मिला, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है मैं आज तक जो भी कर पाई। हम बात कर रहे थे डायनेमिक संवाद टीवी में ईशिता से, और पूरी सफलता की कहानी अपनी कही है। संगीत जगत से, संगीत प्रेमियों की तरफ से ये कह सकते हैं कि मेरी आवाज़ के साये में सफ़र कर ले, आईना मुझको बना ले और नज़र कर ले, और आखिर में इतना कि कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। अभी तक आप सुन रहे थे संस्कारधानी की शान, सारेगामा पा की विजेता इशिता विश्वकर्मा से सफलता की कहानी। तिवारी पीएम अपने दैनिक संपत टीवी में आपका स्वागत करती है। इसमें कहानी, कविता और राजनीति के नाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी है, तोड़ेंगे मन को जय रखेंगे संवाद।